डिजिटल का है, उंगलियों के एक इशारे पर सब कुछ हासिल है, लेकिन डिजिटल क्रांति के इस दौर में डिजिटल डकैतों से सावधान रहना भी बेहद जरूरी है। देश भर में साइबर ठगों ने अपना जाल फैला रखा है। डिजिटल डकैत की नजर अब आपकी जेब पर है, लेकिन अब साइबर ठगों ने ठगी का नया पैंतरा ईजाद किया है। समझिए, बस एक कॉल और आप हो जाएंगे कंगाल। डिजिटल डकैत से बचना है तो ये रिपोर्ट देखिए। नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। डिजिटल डकैत से सावधान, बस एक कॉल और आप कंगाल। लॉटरी के झांसे में मत आना, सारी जमा पूंजी हो जाएगी खाली। देश भर में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पहले साइबर ठग एटीएम बंद होने का हवाला देकर या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए आपका अकाउंट खाली कर देते थे। लोग जागरूक हुए तो शातिर ने अपनी तरकीब बदल ली। ये डिजिटल डकैत इतने शातिर हैं कि अब व्हाट्सएप के जरिए आपके बैंक अकाउंट को खाली करने का प्लान बना रहे हैं। दरअसल साइबर ठग आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें आपके नाम लॉटरी लगने का झांसा दिया जाता है। इसी मैसेज में एक लिंक दिया जाता है और साथ में एक मोबाइल नंबर। शातिर ठग आपको एक फोन करता है, लॉटरी निकलने का हवाला देकर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर उस नंबर को मोबाइल नंबर में सेव करने की बात करता है, फिर उस लिंक पर क्लिक करने को कहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, समझिए बैंक में जमा पूंजी राशि कुछ सेकंड में ही ठग के पास चली जाती है। सुनिए कैसे डिजिटल डकैत लोगों को झांसा देते हैं। सर, आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सएप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है, सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है। ऐसे फ्रॉड मैसेजेस पे ध्यान न देते हुए आपको बैंक खाते के नंबर वगैरह कुछ नहीं बताने हैं, और अगर आपने ऐसी डिटेल्स उनको दी, इसकी वजह से आपको ठगी का शिकार होना पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरी जनहित में ये अपील है कि आप सजग रहें और सचेत रहें। राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में भी इन दिनों साइबर ठग व्यापारियों और लोगों को कंगाल करने में लगे हैं। कई लोग ठगों के जाल में फंस चुके हैं, कई समझदार लोग डिजिटल डकैत के पैंतरों को समझ चुके हैं। व्यापारी भवन कुमार के पास भी कुछ इस तरह का एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, लेकिन भवन कुमार ने लिंक पर क्लिक नहीं किया, यानी ठग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। इधर पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी तरह से कोई लालच में ना आए। साइबर एक्सपर्ट अमृत कुमार शर्मा बताते हैं, किसी भी तरह से भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, किसी भी पे वाले लिंक पे हमको क्लिक नहीं करना है। पे का मतलब होता है देना। अगर आपको कोई लॉटरी लगी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे डोर स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सर, मैं फ़ोन पे आपको कोई भी लिंक या कोई भी पेमेंट के लिए एक्सेप्शन नहीं करूंगा, और किसी भी एप्लीकेशन को अनऑथराइज यूज़ ना करें। इस संबंध में पुलिस काफ़ी हर तरीके से मार प्रसार प्रसार करके भी व्यक्तिगत लोगों को, मौजूद लोगों को समझ दे, जैसे गाँव में सरपंच वगैरह हैं और उनको भी काफ़ी समझाइश करके पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। ये गैंग पिछले कुछ महीनों में करोड़ों की धोखाधड़ी कर चुका है। ये लोग रोजाना 400 से 500 फोन नंबर पर कॉल करते थे, जिसमें 4 से 5 लोग भी फंस गए तो लाखों के वारे न्यारे हो जाते थे। ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट में जमा पूंजी राशि को पलक झपकते ही कैसे साफ कर देते हैं, ये खबर आपको दिखाना इसलिए जरूरी था कि आप इन साइबर ठगों से सावधान रहें और लोगों को जागरूक करें। किसी भी तरह से कोई भी लिंक वाला मैसेज यदि आपके व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर पर आता है तो उस पर किसी भी तरह से क्लिक ना करें। हालांकि ये साइबर ठग पुलिस के हत्थे भी चढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने इनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती भी है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चौमू, जयपुर।